एक्सपोजर है। एक्सपोजर में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं जिसको हम शेडोज़ हाइलाइट्स कहते हैं। एक्सपोजर अगर आप देखें तो पूरी पिक्चर का एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑफसेट्स की तरफ आते हैं आप तो वो एरिया जो आपका डार्केस्ट या लाइटेस्ट एरिया था वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोजर्स चेक करें तो कोशिश करें कि आप इनको ज़्यादा जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट ना करें, वरना इसका एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल, देखें यहाँ पर मैं बिल्कुल ले जाऊँगी तो इसका एक्सपोजर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंस के अंदर भी अगर आप चेक करें, सेचुरेशन के साथ वाइब्रेंस ज़्यादा काम करती है। देखें कलर क्वालिटी ऑफ एनहेंसमेंट, कितना अच्छा कलर क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ पिक्चर की आपने यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को वाइब्रेंस एंड सेचुरेशन के ज़रिए इंक्रीज आउट किया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगेन ह्यू सेचुरेशन, सेम लाइक दैट कंट्रास्ट के हवाले से रीकलर्स करने हैं। ऑलरेडी आपके पास प्रीसेट्स मौजूद हैं तो कलर की सेपिया है आपके पास, कलर की क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए दे आर दी वेरी गुड इफ़ेक्ट्स। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कलर बैलेंस, सेम लाइक दैट, यहाँ पर तीन चीज़ें देखिए, शेडोज़ हैं, सिर्फ शेडोज़ पे काम हो रहा है, ठीक है। इसी पे अगर आप मिड टोन पर आ जाते हैं तो ये मिड टोन पे काम कर रही है, और अगर आप नीचे आते हैं तो हाईलाइट जो हैं ये सिर्फ उन हाईलाइट्स के ऊपर, ग्रीन एरिया हाईलाइट कर रही है, मैजेंटा एरिया हाईलाइट कर रही है, इसी तरीके से ब्लू एरिया हाईलाइट कर रही है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप तीनों की वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ को प्रेफर करना चाहते हैं। तरीके से आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब है ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट। सिंपल ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी रेड्स कलर अच्छा, यहाँ पर टिंट है, और अगर आप टिंट देना चाहें देखें यहाँ पर भी वही, अगर आप देखें मार्क्सिंग का इफेक्ट है, ब्लैक एंड वाइट जितना एरिया रखना उतना रखें, बाकी इफेक्ट आप ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है फ़ोटो फिल्टर। कलर अब अच्छा, यहाँ पर कुछ फिल्टर्स इफेक्ट ऑलरेडी हैं, कूलिंग फिल्टर्स हैं, तो ये बड़े ही अच्छे बने बनाए फिल्टर्स हैं। आप इनको अपने पिक्चर के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। कलर के ऊपर रख के अगर आपने करना है फिल्टर को अप्लाई लाइक दैट, दिस इज़ द वेरी गुड इफेक्ट। बिल्कुल आप इनको यूटिलाइज करें अपने पिक्चर्स के ऊपर। सो चैनल मिक्सर है, यहाँ पर भी सेम लाइक दैट, लेकिन याद रखिएगा ये टोटल वैल्यूज 100 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। देखें जैसे 100 ज़्यादा गई है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कोशिश करें रेड ग्रीन और ब्लू की जो वैल्यूज़ हैं वो आप विद इन दी 100 रख कर इसको सेट करें ताकि कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा हो जाए, ठीक है जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्ट, पिक्चर को इन्वर्ट करने के लिए आपके पास इन्वर्ट का मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉस्चराइज आपकी पिक्चर, अच्छा लेवल ज़्यादा मत बढ़ाइएगा पॉस्चराइज के, सिंपल जिस तरह से मैंने बताया है उतने ही रखिएगा।
और इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड आपकी ब्लैकनेस और कलर कॉम्बिनेशन के बाद डार्कनेस और ब्राइटनेस को एनहेंस करता है। ये देखें, इफ़ यू वॉन्ट टू शो द कलर करेक्टर, देखें आपके सामने करेक्टर हाईलाइट हो गया। इस तरीके से मूव ऑन आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है ग्रेडियंट मैप। ओके, ग्रेडियंट मैप सिंपल ग्रेडियंट की तरह ही काम करता है, और ये भी लाइक दैट कलर्स को हाईलाइट करने के लिए, ओपेसिटी को लाइट करने के लिए आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइक दैट। मूव ऑन, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑन द लिस्ट सेलेक्टिव कलर है। आप जो भी कलर, अच्छा यहाँ पर टॉप पे तो पहले प्रीसेट्स हैं और सेलेक्टिव कलर के अंदर सेम लाइक दैट 100 की वैल्यू, मिड टोन है, एब्सोल्यूट है, रेड है, सयान है। तो यहाँ से जो भी कलर आप इंक्रीज़ करना चाहें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, सो आई होप आपको आज ही लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी इशू है रेलेवेंट लेयर एडजस्टमेंट लेयर के हवाले से तो बिल्कुल आप कमेंट पास कर सकते हैं। सो आप इस लेयर लेयर एडजस्टमेंट को यूज़ करें, और यकीन करें इसके अंदर आप जो फिल्टर्स इफेक्ट की अप्लाई अप्लीकेबल करेंगे किसी भी पिक्चर के ऊपर तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अगर कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट में पास कर सकते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।